नमस्कार। इस वीडियो में देखेंगे एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज होता है। हमारे पास डेटा है, टारगेट है 50, स्ट्रेच टारगेट है 70, 50 के नीचे क्या है देखना है, बीच में क्या है देखना है और 70 के ऊपर क्या है वो भी देखना है। इसलिए पहले डेटा सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं। इस बार हम आइकॉन सेट देखेंगे। बहुत सारे आइकॉन्स हैं लेकिन हमको क्या करना है, ऊपर नीचे या बीच में तीन चीज चाहिए। सो ये वाला यूज करेंगे, थ्री एरोज। अभी एक्सेल ने ग्रीन, येलो और रेड एरो तो लगा दिए लेकिन कैसे लगाए हमने तो कुछ बताया नहीं, तो देखते हैं। मैनेज रूल्स, एडिट रूल करेंगे। तो अभी देखिए उसने क्या किया है कि अपना जो रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, उसको उसने तीन टुकड़ों में बांटा है। पहला टुकड़ा 0 to 33, 33 to 67 एंड 67 एंड अबव। सबसे ऊपर वाला ग्रीन मिलता है, बीच वाला येलो और छोटा वाला रेड। ये सब परसेंट के ऊपर चल रहा है। हमको क्या चाहिए, हमको परसेंट नहीं चाहिए, हमारे पास दो नंबर है जो इधर मिलाने हैं, तो हम दोनों का परसेंट चेंज करके नंबर डालेंगे। ये जीरो मिटा देंगे और यहां डालेंगे रेफरेंस A2, जिसका मतलब जो भी टारगेट में है, और सेम चीज करेंगे स्ट्रेच टारगेट के लिए। अगर मैं नंबर चेंज करता हूं टारगेट का, नंबर चेंज नहीं हो रहा है, उसका जो आइकॉन लगा हुआ है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि अपने बेस टारगेट और स्ट्रेच टारगेट चेंज हो रहे हैं। अभी हमको क्या करना है, सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो दिखाना है, ग्रीन और येलो नहीं दिखाना है। उसके लिए क्या करेंगे, तीनों नहीं दिखाने हैं, सिर्फ रेड को रखना है। सो ग्रीन का ड्रॉप डाउन ओपन करके बोलेंगे कि ये आइकॉन दिखाओ ही मत। वही चीज करेंगे पीले वाले के लिए और ओके बोलेंगे। अभी हम सिर्फ जो प्रॉब्लम एरियाज है जहां बिजनेस कम हो रहा है उस पे ध्यान देंगे। और एक क्या लगता है लोगों को कि ये कॉपी पेस्ट करके पावर पॉइंट में ये दिखाना है। पावर पॉइंट में जब लोग देखेंगे तो इतने सारे नंबर बराबर नहीं दिखता है। अभी हमको क्या चाहिए, सिर्फ आइकन रखना है, नंबर को छुपाना है। वो फॉन्ट कलर वाइट मत करो, वो गलत है। इसमें जाके बोलो शो आइकन ओनली। अभी एक एक्स्ट्रा चीज करेंगे, इसको सेंटर अलाइन करेंगे, तो क्या होगा, पावर पॉइंट में कॉपी पेस्ट करने के बाद ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो बस अभी के लिए सिर्फ इतना ही। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और भी मेरे वीडियोस आने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, बिकॉज बहुत जल्दी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। फिलहाल सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू।